तो दोस्त, कैसे हैं आप सब? जिन्हें नहीं पता, आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड इस वीडियो में आई विल टेल यू द बेस्ट वे एंड द रियलिस्टिक वे सो दैट यू कैन अचीव 99+ percentile इन फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेन्स 2024। ज़्यादातर चांस ये है कि आपका जनवरी में होगा जेई मेन्स 2024 एंड उसी के हिसाब से आई हैव मेड दिस परफेक्ट स्ट्रैटेजी एंड फॉर पर्सनल गाइडेंस यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस देता हूँ एंड ऐसे ही डिटेल्ड एंड अनबायस्ड कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या रियली पॉसिबल है 99+ percentile लाना विद इन दिस 6 months? ये 6 months में पॉसिबल है? तो माई आंसर इज डेफिनेटली येस। अगर आपका अप्रोच सही है एंड आप टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं, देन आई एश्योर यू डैट पक्का आपका 99% आ जाएगा। बट जस्ट फॉलो मी ब्लाइंडली एंड जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज कि किस टाइम तक हमें अपना सिलेबस कम्प्लीट कर लेना है। तो दोस्त, नवंबर 2023 तक आपका सिलेबस एनी हाउ कम्प्लीट हो जाना चाहिए बिकॉज दिसंबर में हमें मॉक टेस्ट देने हैं, राइट? वी हैव टू गिव मॉक टेस्ट इन दिसंबर, ठीक है? तो आर टारगेट इज टू कम्प्लीट आर सिलेबस इन नवंबर 2023 एंड बाई दिसंबर वी विल बी गिविंग एज मच एज मॉक टेस्ट एज इट कैन बी। नाउ सेकेंडली वी विल डिस्कस दैट हाउ टू कम्प्लीट 12th सिलेबस फास्टर। देखिए, आप लोग जहाँ भी अभी इनरोल्ड होंगे ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग, ये तो मान के चलिए आपका नवंबर तक कोई भी कोचिंग आपका सिलेबस कम्प्लीट नहीं करेगा, इतना तो गारंटीड है। तो कैसे हमें खुद से करना चाहिए कम्प्लीट टिल नवंबर? देखिए, जो भी आपका लाइव क्लासेस चल रहा है उसे तो आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, PYQs लगाइए, उसके लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। बट हमें कैसे जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना है 12th का, तो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट कोचिंग क्लासेस तो हमें रेगुलर जाना ही है, लाइव अटेंड करना ही है, सारा DPs एंड PYQs वी नीड टू सॉल्व। बट हमें सेल्फ स्टडी वीकेंड्स एंड अब स्कूल जो भी है, रेगुलर स्कूल जो भी स्टूडेंट जाते हैं, अपना छुट्टी मानना स्टार्ट कर लीजिए। वीक में 1 दिन 2 दिन आपको जिस हिसाब से आपका अटेंडेंस पॉलिसी है स्कूल में, यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, राइट? तो आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है कि जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उनको तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। उसके आप सेल्फ स्टडी कीजिए थ्रू सिंगेज, मैं बता चुका हूँ फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए सिंगेज फॉलो कीजिए एंड फॉर केमिस्ट्री आई हैव रिकमेंडेड ऑल द रिसोर्सेज इन माई प्रीवियस वीडियोज, राइट? आप उससे फटाफट से थ्योरी करने का कोशिश कीजिए क्योंकि आप 12th के चैप्टर्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, राइट? फिजिक्स एंड मैथ्स के तो इजिली आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक जहाँ तक बात है वो आप ठीक है कोचिंग के थ्रू आप कवर कीजिए, ठीक है? तो कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है, राइट? डोंट लीव एनी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एट एनी कॉस्ट, खासकर जो भी जेई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स आपके हैं, राइट? इन्हें तो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है। नहीं समझ में आए तो वी नीड टू रटना है, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप रट लीजिए, बट हमें स्कोर चाहिए एनी हाउ। अगर हम 200+ स्कोर या फिर इवन 180+ भी मार लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 99% के लिस्ट में आपका नाम जरूर से जरूर होगा, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, आपका जरूर होगा। नहीं होगा देन यू कैन डेफिनेटली टेल मी कि क्यों नहीं हुआ भैया, मैंने आपका स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, 100% चांस है, देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि आपका होगा ही होगा, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पॉसिबल है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए, ठीक है? एंड क्लास 11th का सिलेबस को मैं आपको 2 months में ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अच्छे ढंग से विथ PYQs आपका कंप्लीट हो जाएगा 11th के सिलेबस में। ये फर्दर वीडियोस में आ जाएगी, हाउ टू कंप्लीट 11th के चैप्टर्स, राइट? तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है एंड जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि लास्ट के चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कोचिंग में आपको लास्ट में कराए जाएंगे, पर उन्हें हमें बिफोर हैंड ही कर लेना, आसान टॉपिक है, ठीक है? वो हम खुद से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है? एंड 11th के चैप्टर्स को भी हमें 2 months में, दो अभी 6 महीने बचे हैं, 2 months में फिजिक्स करना है, 2 months में केमिस्ट्री एंड 2 months में मैथमेटिक्स करके हटा देना है कि आपके 11th भी पूरा अपना सिस्टम में रहे। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इज वेरी वेरी मच। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 97.2% आया था, इट वॉज ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने थ्योरी इतना बार रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स इतना बार रिवाइज किया कि थ्योरी पूरा यहाँ छपा हुआ था, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। मुझे पता है कि कैसे सॉल्व होगा, पर उस समय आपका माइंड नहीं चलता है, ठीक है? तो अभी से अभी आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? तो थ्योरी एक सर्टन लिमिट तक आप कीजिए, उसके बाद जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं क्लियर होता है थ्योरी से, वो आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, ठीक है? व्हाट इज द राइट मेथड टू अप्रोच अ क्वेश्चन, ये तभी आप सीख पाएंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फॉलो ओनली वन मेंटर। अभी यूट्यूब में इतने सारे आपको जेई मेंटर मिल जा रहे हैं, इतने सारे स्ट्रैटेजीज वीडियो मिल जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग करप्ट हो जा रहा है कि कोई एक्स पर्सन ये कहा, वाई पर्सन ये कहा। देखिए, सारे के सारे लोग अपने हिसाब से सही रहते हैं, जिनके लिए जो वर्क कर लिया दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है? तो अगर आप
किसी एक जने को फॉलो कर रहे हैं देन डेफिनेटली ब्लाइंडली उन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड फॉर पर्सनल गाइडेंस यू कैन डेफिनेटली आस्क एनी डाउट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक, कुछ भी आपको इश्यूज आती है मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट एंड आई अश्योर यू कि आपका 99 परसेंटाइल में आपका नाम जरूर से जरूर आएगा। बस आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस बढ़ाना है क्योंकि यार समय अब बचा नहीं है, बस 6 मंथ्स की लड़ाई है, मेंस खत्म हो जाएगा, देन आई विल गिव यू द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर जी एडवांस, जिससे आप एक बार मेंस में 99 परसेंटाइल या अबव ले आइए, उसके बाद एडवांस के लिए भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमारा IIT का एक सीट सिक्योर हो जाए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आफ्टर मेंटरिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव द बेस्ट वेज, ठीक है, जिससे आपका जेई एडवांस एज वेल एज जेई मेंस बहुत अच्छा से जाएगा। तो बस जी जान से मेहनत कीजिए, जो भी डाउट्स आए बेफिक्र होकर मुझसे पूछिए, ठीक है, मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करता हूँ। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड वीडियोस के लिए जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए।